प्रियंका चोपड़ा ने जब से करण जौहर की फिल्म साइन की है तब से उनकी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट लगने लगी है। वो करण के साथ जल्द ही शूट करने वाली हैं। लेकिन साथ ही वो शाहरुख खान के साथ और फिल्मों में नजर आएंगी या नहीं, इस पर काफी गैसिंग गेम्स चल रहे हैं, क्योंकि शाहरुख का तो उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मगर डॉन 2 के लिए सुष्मिता और दीपिका की भी दावेदारी लग रही है। लेकिन ये याद रहे कि पहली बार बाजी जीती थी प्रियंका ने। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों है सातवें आसमान पे, क्योंकि उनके पास है करण जौहर की फिल्म जिसमें उन्होंने ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को रिप्लेस किया है, सिर्फ एक बोल्ड सीन की वजह से जिसे करने में ऐश कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन प्रियंका के मुताबिक ये सीन नहीं है उतना बोल्ड जितना कि उसे बताया जा रहा है। Well, it's not. I mean, I sometimes get, I wonder why people are thinking it is. It's a romantic comedy. It's based in Miami. But it's probably as bold as any other film, whether it was Dhoom 2 or whether it was, any good-looking film. अब प्रियंका जौहर कैंप से जुड़ी है तो जाहिर है शाहरुख खान के साथ भी उनका तालमेल जमेगा ही, और ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद SRK के साथ खान में भी नजर आएंगी। लेकिन प्रियंका खुद को किसी कैंप का हिस्सा नहीं मानती। आई एम नॉट इन टू कैंप्स। मैं अगर फिल्म अच्छी लगी तो मैं फिल्म करती हूँ, अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो मैं फिल्म करती हूँ। ऐसा कोई जरूरी रूल मैंने कभी अपने करियर की शुरुआत से नहीं किया। I've worked with almost everybody in the industry। वही सुनने में आ रहा है कि प्रियंका की फिल्म लव स्टोरी 2050 के को स्टार हरमन बावेजा इंसिस्ट कर रहे हैं सिर्फ प्रियंका के साथ काम करने को। That's a question you'll have to ask him. I really don't know about that. I know that we are only doing one film right now, and beyond that, I don't know what else he's doing. But that's something that you'll really have to ask him. इतनी सारी खबरें हैं प्रियंका की फिल्मों के बारे में कि यकीनन साल 2008 उनके लिए promising साबित होगा, और क्यों नहीं? अगले साल उनके पास है 6 बड़ी releases, यानी प्रियंका ने number 1 बनने की ठान ली है। रोमा श्रीवास्तव, Zoom, Mumbai.